बैक पे काम कर रहा हूँ. ये टैटू मैं मेरे पोर्टफोलियो के लिए मैंने डिज़ाइन किया है. सो जैसे मैं तुम लोग बोलता हूँ, मैं हमेशा कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ. जो मेरे को कॉस्ट को लेके इतना मेरे को ये नहीं रहता, मतलब ये वाला पीस भी मेरे लिए फ्री है, कोई पैसे के हिसाब से नहीं. पर ये मेरा आर्टिस्टिक जो भूख रहता है उसको सेटिस्फाई करने के लिए मैं हमेशा ये चालू रहा. पूरे साल भर में तुम लोगों में देखता रहेगा कोई ना कोई इस पे काम कर रहा हूँ मैं. एवरी मंथ एंड हाफ या टू मंथ्स एक सेशन होता है जो फ्री रहता है, जो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ सब लोग को, कि खुद के पोर्टफोलियो के लिए आप लोगों पीस डिज़ाइन करना चाहिए खुद, जो आपके आपके स्टाइल का जो आपको अच्छा लगता है, और एक 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 ऐड होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में. या फिर आपको कोई नया स्टाइल पसंद आता है, तो यहाँ कोई अगर आर्टिस्ट है जो रेगुलरली टैटूज कर रहा है और उसको एक नया स्टाइल अप्रोच उसको अगर पसंद आया है, तो उसका फ्री टैटू से स्टार्ट करो. दोनों चीज़ को कंफ्यूज मत करो और कंबाइन करने का हमेशा ट्राई मत करो. मेरे लिए ऐसा है कि जब मैं काम कर रहा हूँ बिजनेस साइड पे हूँ, तो मैं कस्टमर सर्विस में रहता हूँ, तो कस्टमर्स के हिसाब से हम लोग डिज़ाइन करते हैं. कस्टमर को सर्व करने का उधर मेन एम रहता है, उन लोगों का जो डिमांड रहता है वो हम लोग लेते हैं और उसका क्रिएटिविटी हमारा मिक्स करते हैं उसके साथ और फिर डिज़ाइन डिलीवर करते हैं. और 99% उनके पसंद का होता है, उनके हिसाब से डिज़ाइन करते हैं, तो उनके आइडिया का बेस्ट वर्जन हम लोग बना के देते हैं. बराबर, वो बिजनेस साइड में हम उसको बोलते हैं कमर्शियल डाटा मेरे लैंग्वेज में, तो वो बिजनेस साइड में चलते रहते हैं. पर जब आप रेगुलरली करते रहते हो करोगे तो मालूम पड़ेगा कि आपको नया कुछ करने का रहता है पर क्लाइंट नहीं मिलता. इनफैक्ट एवरी टैटू आर्टिस्ट का ये पर्सनल सिचुएशन रहता है कि उसको कुछ और करने का रहता है और क्लाइंट से वो सेम रिक्वेस्ट जल्दी नहीं आता. बहुत रेयरली वो एग्जैक्ट मैच होता है कि आपको कुछ करने का रहता है और क्लाइंट भी उसमें आए. मेरे लिए मैं इसका बैलेंस ऐसा करता हूँ, बिजनेस के टाइम पे जो कमर्शियल टैटूइंग होता है वो एकदम बेस्ट हम लोग का डालते हैं और उन लोग आइडिया से चलते हैं कस्टमर्स के आइडिया से. दूसरी तरफ जब मेरे को कुछ करने का है अलग चीज़, तो मैं डिज़ाइन करता हूँ और मैं फ्री कर देता हूँ, वो मेरे लिए छुट्टी मनाने जैसा. तो एक दिन अगर मेरे को लग रहा है कि मैं मंथ में एक या दो दिन मेरे को जो करने का मैं करूँ वो वेकेशन जैसा हो गया, राइट, हॉलीडे मनाने जैसा. मैं आता हूँ, मेरा पीस डिज़ाइन किया रहता है, मैं धीरे धीरे उस पर काम करता हूँ, क्योंकि आपका पर्सनल एन्जॉयमेंट वाला टाइम है, आर्टिस्टिक आप मूड में रहते हो और उसमें गए रहते हो और आपके पसंद का है, तो आप टाइम नहीं देखते, क्लॉक नहीं देखते हो, आप मज़े में रहते हो. तो आप 6 घंटे का सेशन करो, 4 घंटे का करो, 10 घंटे का करो, जब चाहिए आप रुको, क्योंकि वो आपका पीस वैसा है. मेरे लिए पीस आज का वैसा है, पर इसके पहले भी जितने भी मैं पीस मैंने किए फ्री में वैसे ही रहते, दोनों का बैलेंस. और एवरी टाइम जब भी मैं फ्री करता हूँ तो पोर्टफोलियो में वो अच्छे लेवल पे ऐड होता है. अभी डेली स्टार्ट में 15 से 20 स्टार्ट हुए रोज होते हैं, पर सब थोड़ी पोर्टफोलियो में जाने वाले. इतने सारे कितने टैटूज आप लोगों को डिस्प्ले में डालो, तो हम लोग क्या करते हैं समझो, एक एग्जाम्पल है, अभी जितने भी वो आर्टिस्ट है, भानु है खुद, अगर दिन में 2 टैटू करता है, 3 टैटू करता है, तो महीने में जितने भी टैटूज होते हैं उसमें से बेस्ट टैटूज हम लोग आगे डालते हैं एज ए पोर्टफोलियो. मतलब आपका सबसे बेस्ट जो काम रहता है टॉप 10 टॉप 20 आप बताना चाहोगे ना, ना कि आप 200 टैटू किसी को बताओगे. समझ में आ रहा है? तो टॉप 10 या टॉप 20 आप लोग का जो पोर्टफोलियो का लिस्ट है वो हमेशा अपडेट होते रहना चाहिए. पुराना काम निकलते जाएगा, आप नया नया काम डालते जाओगे. तो जो भी आपका प्रोफाइल देखता है, पोर्टफोलियो देखेगा, तो उसको आइडिया आएगा कि ये क्लास का काम करता है. फिर कस्टमर्स आपके लिए वो टाइप का काम मांगने आ जाते हैं, तो आपके क्लास का कस्टमर भी आने लग जाता है, तो आपका काम और ईजी होने लगा, आप और एंजॉय भी करने लग जाओगे आपका काम, जाके आपका आइडियाज़, आपका स्टाइल और कस्टमर का रिक्वायरमेंट मैच होता है.